हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? और मैं आज आपके साथ एक रिव्यू शेयर करने वाली हूँ, जो है कि रोज़ हिप ऑयल, जो फेशियल ऑयल है उसका मैं रिव्यू करने वाली हूँ आपके साथ। और ये रेडिएंट ग्लो फेस सीरम है। ये बहुत ही अच्छा सीरम है, बहुत ही अफोर्डेबल है, और इस तरह का ये है। ये बहुत ही प्यारा है और ये हर स्किन में सूटेबल, आप इसको अप्लाई कर सकते हो, सबको ये सूट कर जाता है। और ये नॉन स्टिकी है, ऑयली नहीं है, बहुत ही बेस्ट है। तो ये मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ, आप लोगों को ये ज़रूर ख़रीदना चाहिए, बाय ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा है गाइज। आप मेरे कहने पर एक बार, सिर्फ एक बार आप इस चीज़ में आप इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम रेट का है ये। आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आपकी स्किन की इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, और आपकी स्किन में अगर थोड़ी बहुत डलनेस होगी और आपकी जो स्किन में थोड़ी से फाइन लाइंस वगैरह आनी शुरू हुई, वो भी आपकी इससे रिड्यूस हो जाएंगी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और आप इसको बाय ज़रूर कीजिए। छोटा सा है, टिंगी मिंगी सा, और रोज़ हिप ऑयल का बहुत ज़्यादा, ये बहुत पुराना हो चुका है, लेकिन ये मैंने अब स्टार्ट किया है इसको ऑयल लगाना। और मैंने जो मिनी पर्पल ऑयल शेयर किया था उसमें ये मैंने परचेस किया था, तो मैं अभी इसको कुछ दिनों से ट्राई कर रही थी कि मैं तभी इसको आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। कोई भी चीज़ जब मैं अच्छे से अपने ऊपर ट्राई कर लूँ, अच्छे से अपने ऊपर यूज़ कर लूँ, तो उसका ज़्यादा बेस्ट रिज़ल्ट है। मैं नहीं चाहती कि मेरी अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से मैं इसको थोड़े दिन ट्राई की हूँ, लेकिन ये बहुत ही अच्छा है गाइस। चलिए देख लीजिए इसका रिव्यू एंड डेमो। और इसको कौन लगा सकता है, कौन सी इस एज वाला लगा सकते हो, तो आप 20 एज से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो। सारी एज वाले 20 ईयर्स से आप लगा सकते हो। कोई भी स्किन टाइप हो आपकी, ऑयली हो, ड्राई हो, कॉम्बिनेशन हो, कोई भी स्किन हो आपकी, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। ये बहुत ही बेस्ट रिजल्ट देता है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। चलिए देख लीजिए रिव्यू एंड डेमो। तो गाइज ये है रोज़ हिप सीरम है, ये रोज़ हिप ऑयल है, ये फेशियल ऑयल। ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, आप इसको एक बार ट्राई करके देखिए, बहुत ही मुझे पसंद आया है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। ये इस तरह की कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है, गुड वाइब्स का है। और इसकी जो क्वांटिटी है वो है 10 ml इसकी क्वांटिटी है, ये लिखी हुई है यहाँ पर। और रेडिएंट ग्लो फेस सीरम है, ये बहुत ही अच्छा सीरम है, गुड वाइब्स का है। और इसमें इसको कैसे अप्लाई करना है, इसको अप्लाई करना है आपको बस फेस क्लीन होना चाहिए आपका, और फेस क्लीन होने के बाद आपको 2 से 3 ड्रॉप आपको ले लेना है फेस पर, अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए अच्छे से मसाज देनी है आपको। जब तक ये ऑब्जर्व ना हो जाए तब तक आपको मसाज करनी है अपने फेस पर, और जब तक अच्छे से मसाज हो जाएगी फिर आपको ना ऑयलीनेस नज़र आएगी, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या पड़े हुए हैं मैं बता देती हूँ, सेसमे ऑयल, आलमंड ऑयल, विटामिन ई ऑयल, और इसमें डला है जोजोबा ऑयल, और रोज़ हिप ऑयल है इसमें, जो कि मेन है इसमें रोज़ हिप ऑयल। तो ये बहुत ही अच्छा, और दो ऑयल्स और पड़े हुए हैं, वो नाम आप लोगों ने, मैंने भी नहीं सुने हैं उस तरह के, वो नाम है इसमें। तो इसको ये कितना MRP, इसकी MRP है इसकी 215 लिखा है इस पर ये 215 का वैसे भी नहीं आएगा, ये कम का ही पड़ेगा आपको। और पर्पल पर तो सेल चलती ही रहती है, तो ये आपको कम का ही पड़ेगा। ये मुझे 120 या 130 का मुझे मिला है, तो ये मुझे बहुत ही अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में मिल गया है। और इतना अच्छा सीरम आपको नहीं मिल सकता है, इतना अच्छा अफोर्डेबल प्राइस में फेस सीरम तो कभी नहीं मिलेगा। और ये रोज़ ऑयल है, इसके 2 वेरिएशन और आते हैं, आर्गन ऑयल का गोल्ड फेज और सिल्वर लीव्स वाला भी आता है, तो वो भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन बट इसको ये आप ट्राई करके ज़रूर देखिए, ये मैंने ट्राई किया है, वो जब मैं ट्राई कर लूँगी तब मैं उनके बारे में बता सकती हूँ, बट मैंने इसको ट्राई किया है तो ये बहुत ही अच्छा है। और ये मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसकी 3, मतलब कि मार्च में बना, मार्च की पैकेजिंग है इसकी 2019, और ये एक्सपायरी डेट है इसकी फरवरी 2021, तो 2 इयर्स इसकी सेल्फ लाइफ है। तो ये बहुत ही आराम से आपको इतना दिन चलाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो बहुत ही जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, बिल्कुल चिपचिप नहीं करता, ऑयलीनेस नहीं है, बहुत ही बढ़िया सा है।
और ये देखिए इसमें ये रोज़ हिप मतलब क्या, रोज़ हिप क्या होता है कि रोज़ के जो पीछे वाला जो हिस्सा होता है उससे ये बनाया हुआ है। ये रेड कलर का दिया है, उसमें ये रेड नहीं होता है फ्लावर में, लेकिन ये रेड बनाया हुआ है पता नहीं क्यों। वो ग्रीन हिस्सा होता है ना उसका, वो ये सभी लोग जानते हैं, तो ये कलरफुल बनाने के लिए शायद ये बना दिया है उन लोगों ने। और ये बहुत ही अच्छी सी पैकेजिंग है इसकी, और बहुत ही बढ़िया सा इसको ये देखिए ग्लास है इसका, ये ग्लास बॉटल में आता है, ये बहुत ही अच्छा है। और ये इसका पंप है, पंप से आप आराम से ले सकते हो। बस आपको यूज़ कैसे करना है, इस तरह से आपको शेक कर लेना है, पहले थोड़ा सा वॉर्म हो जाए ये, फिर उसके बाद अपने हैंड पर लेकर, पहले ये ढक्कन लगा हुआ था तो मैंने ये ढक्कन निकाल कर फिर ये लगा दिया था। इसका ये ड्रॉप तो बहुत ही अच्छे से इससे लग जाता है, ये जो लिड लगा हुआ था तो मैंने इसको हटा दिया क्योंकि इससे तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। तो मैं आपको कंसिस्टेंसी बता देती हूँ आपको ये किस तरह का है, ये देखिए। बस आपको ऐसे ही 2 से 3 ड्रॉप आपको लेने, आई होप आपको दिख रहा होगा, सॉरी। और फिर इसको इस तरह से मसाज कर लेना है, बस ये पता ही नहीं चलेगा आपको कितनी जल्दी ऑब्जर्व हो जाता है, कितना अच्छा है ये ऑयल। देखिए चिपचिप बिल्कुल नहीं कर रहा है, बहुत ही नॉन स्टिकी है, देखिए गायब हो जाता है, एकदम तुरंत गायब होता है। तो ये बहुत ही अच्छा ऑयल है, तो आप इसको बाय कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया सा ऑयल है। तो मैं ये अब लगा के भी दिखा देती हूँ आपको, बस आपको इस तरह से आपको लगाना है, यूज कैसे करना है, ऐसे सेक कर लीजिए आप, और फिर इसको आप ऐसे 2 से 3 ड्रॉप लेना है तो आप ऐसे ले सकते हो, और इधर पे ऐसे लगा लीजिए। मैंने अपने फेस पर बस क्लीन फेस था मेरा, तो मैं इसको लगा ले रही हूँ, और जब तक मसाज करनी है आपको, जब तक ये ऑब्जर्व ना हो जाए अच्छे से। ये चिपचिप बिल्कुल नहीं करता, इसलिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, आप लोग इसको लगा सकते हो, बहुत ही ऑयली नॉन स्टिकी इस तरह से ये बिल्कुल चिपचिप नहीं करता। और मैंने जो हैंड पर लगाया था ये देखिए बिल्कुल गायब हो चुका है, और ये मेरे हैंड में ये कुछ बना रही थी मैं तो ये जल गया, छिटक के आ गया था मेरे ऊपर तो ऑयल, इसलिए। तो देख लिया है फ्रेंड्स आप लोगों ने कि ये किस तरह से वर्क करता है, कैसे, मैंने इसमें पूरा डिटेल आपको बता रखी है। तो आपको अगर ये अच्छा लगे तो आप इसको ज़रूर बाय कीजिएगा, मैं लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और आपको मैं दिखा दूँ, बता दूँ कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है। और चलिए मैं बता देती हूँ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहाँ होता है, तो मैं फ़ोन में आपको बता देती हूँ, क्योंकि बहुत ही अच्छा ऑयल है, तो आप इसको अप्लाई करें और बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट तो आपको मिलना ही मिलना है। ये मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अगर आपको इसका फ़ायदा मिलता है तो। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये मेरा वीडियो चल रहा है, और मैं इसको बंद कर देती हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप बस इस तरह से नीचे करते जाइए, इस तरह से नीचे करेंगे तो यहाँ जो लिखा हुआ है कमेंट वहाँ पर मिल जाएगा आपको, इधर पर भी मैं दे सकती हूँ और कमेंट टेबल में भी दे सकती हूँ, और डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा, यहाँ जो एक एरो है होता है, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो इसमें, हाँ ये वाला एरो होता है, वो आप इसको टच करोगे तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा, ये देखिए
यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं सारा बता दूंगी कि इधर पे है आपके लिए, और आप यहाँ से लिंक मैं प्रोवाइड यहाँ पर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन के लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ पर आपको टच करना है जो उसके नीचे जो लिखा होता है ना सब्सक्राइब के नीचे, सब्सक्राइब के ऊपर जहाँ हम लोग पूरी हेडिंग लिख कर देते हैं आपको, जहाँ हेडिंग होती है ये वाला एरिया जो होता है ना, ये वाला जो एरिया होता है वहाँ पर सब कुछ है। तो गाइज आप लोगों ने देख लिया है कि मैंने ये किस तरह का आप लोगों को पूरा सब कुछ डिटेल मैंने आपको दे दी है, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, मैं दे दूंगी। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग गिव अवे में पार्ट ले रहे हो कि नहीं, आप लोग उसका आप कुछ सोच रहे हो कि नहीं, प्लीज़ आप लोग उसमें हिस्सा लीजिए, और मैं चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज कमेंट करके बताएं कि मेरे वीडियोज़ आपको कैसे लग रहे हैं। और ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, शेयर करेंगे आप फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए, और जो भी आपके रिलेशन में उनसे भी शेयर कीजिएगा ज़रूर, और उन लोगों को भी पता चले कि ये किस तरह का अच्छी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं आप यूज़ करेंगे तभी तो उन लोगों को पता चलेगा हाँ कितना अच्छा है ये, कितनी अच्छी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो। तो फ्रेंड्स चलिए मैं चलती हूँ, और अगर आप मेरे चैनल को नया देख रहे हैं, मेरे वीडियो नया देख रहे हैं, तो आप मेरे वीडियो को मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास पहुँच जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बात हो जाती है, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं आपको ज़रूर से ज़रूर, और मैं उन लोगों से भी कहना चाहती हूँ, यूट्यूबर्स जो हैं बड़े बड़े उन लोग भी देखते होंगे, कभी कभार तो मिल ही जाता है उन लोगों को, तो जब वो भी सपोर्ट करें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सब्सक्राइब कर ले, और मैंने बहुत से यूट्यूबर्स को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है, मैं बस कमेंट नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जैसे ही मैं देखती हूँ वीडियो में लाइक करती हूँ, और जो भी अगर बहुत ही अच्छा मैं सभी को सब्सक्राइब कर रखा है मैंने, लेकिन जब भी कोई वीडियो अपलोड होता है उन लोगों का तो मैं लाइक ज़रूर करती हूँ, क्योंकि मुझे सारी यूट्यूबर्स के वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद है, और ब्लॉग भी देखती हूँ, ब्लॉग भी मैं सब्सक्राइब करके रखे हूँ, और लाइक भी ज़रूर करती हूँ। तो चलिए प्लीज़ लाइक कर दीजिए मेरे को, और मुझे ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके कि आपको ये कैसा लग रहा है, यूज़ करने के बाद ही मुझे बताइए। चलिए फ्रेंड्स, बाय 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 बाय।